पाकिस्तान के ननकाना साहब में एक सिख बेटी के अपहरण की घटना की पूरी दुनिया में सिख समाज में निंदा हो रही है। इस घटना को लेकर पंजाब में भी राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस घटना के बहाने कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीड़ित परिवार की एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की है। पीड़ित लड़की के परिवार ने इंसाफ न मिलने पर गवर्नर हाउस के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी है। ननकाना पुलिस ने इस मामले में 6 दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आज हम इस खौफनाक घटना की विस्तार से बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस घटना के संबंध में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो पहले पूरी घटना पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहब से बंदूक की नोक पर एक सिख लड़की के अपहरण की घटना रिपोर्ट की थी। 19 साल की पीड़ित लड़की का नाम जगजीत कौर है। उसके पिता भगवान सिंह ननकाना साहब में गुरुद्वारा तंबू साहब के ग्रंथी हैं। जगजीत कौर पिछले कुछ दिन से लापता थी। रिपोर्ट के अनुसार जगजीत कौर का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर एक मुस्लिम युवक के साथ निकाह करवा दिया गया है। जगजीत कौर के परिवार ने इंसाफ न मिलने पर पंजाब के गवर्नर हाउस के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी है। पीड़ित लड़की के भाई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ गुंडे जबरन उनके घर में घुसे और उसकी छोटी बहन को उठा कर ले गए। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी बहन का शोषण किया गया और जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। परिवार के लोग पुलिस स्टेशन गए और बड़े अधिकारियों से मिले, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अलबत्ता गुंडे दोबारा आए और पुलिस से शिकायत वापस लेने के लिए कहा। शिकायत वापस न लेने पर पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करवाने की धमकी भी दी। पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान वजदार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ननकाना साहब की इस शर्मनाक घटना को लेकर पंजाब में भी राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए नवजोत सिद्धू पर तंज कसा है। हरसिमरत बादल ने कहा कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हरसिमरत बादल ने कहा कि पंजाब की अन्य पार्टियों में मौजूद इमरान खान के मित्रों को उनसे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहना चाहिए। बता दें कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बाद भी पाकिस्तान गए थे। नवजोत सिद्धू ने इमरान खान को अपना यार बताया था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से भी गले मिले थे। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में दखल देने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से भी इस घटना को पाकिस्तान के साथ सख्ती से उठाने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर पीड़ित परिवार का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में पीड़ित लड़की का भाई सुरेंद्र सिंह पूरी घटना की जानकारी दे रहा है। PTI ने ननकाना सिटी पुलिस के IO मोहम्मद जामिल के हवाले से बताया कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जगजीत कौर के अपहरण में शामिल एक दोषी हसन को गिरफ्तार कर दिया गया है। जगजीत कौर को लाहौर के शेल्टर होम में भेज दिया गया है। सिख संगठनों की मांग पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से तुरंत जरूरी कदम उठाने की मांग की है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।